कहानी की शुरुआत में तीन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, शन, इचिका और अमाया, जो गॉड से कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसकी दी हुई ये जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है। वे नहीं जानते थे कि गॉड उनकी कंप्लेंट को सीरियसली ले लेंगे। इसके बाद शन को दिखाते हैं जो अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ था। घड़ी में 10 बज रहे थे और शन के चेहरे पर 12, क्योंकि वो एक लड़की की लाश के ठीक सामने खड़ा था। फिर डारुमा डॉल को दिखाते हैं जो स्टूडेंट्स को जबरदस्ती एक गेम खिलवा रहा है। गेम ये है कि डारुमा डॉल गाना गाएगा और फिर अचानक घूम जाएगा। अगर उसे कोई हिलता हुआ दिखा तो वो उसके चिथड़े उड़ा देगा। बाय द वे, यही सेम कॉन्सेप्ट स्क्विड गेम्स वालों ने कॉपी पेस्ट मारा है। यहाँ चश्मुद्दीन ने शन को हिलने से मना किया। अब शन सोच रहा था कि काश मुझे मेरी वही बोरिंग लाइफ वापस मिल जाए, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। डारुमा डॉल एक एक करके स्टूडेंट्स का खात्मा करने लगा। जो भी स्टूडेंट मरता वो तुरंत लाल कलर के मार्बल में बदल जाता, और जैसे जैसे फ्लोर पे मार्बल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आगे बढ़ना और मुश्किल होता जाएगा। इनमें से दो लड़कों को जोर से लगी थी इसलिए वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन डारुमा ना तो अंधा था और ना ही बहरा। उसे पता चल गया कि लड़के भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने लड़कों को मोमोज की चटनी में बदल दिया। यहाँ पर एक गेमर भी था जिसने सबका ध्यान खींचते हुए कहा कि डॉल के पीछे बटन दबाते ही गेम खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही एक लड़का बड़ी तेजी में भागा और डारुमा ने उसे मार्बल बना दिया। तभी शुन ने नोटिस किया कि डॉल के पीछे एक टाइमर चल रहा है, मतलब उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। ये सुनते ही दूसरे स्टूडेंट्स बटन दबाने के लिए भागने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी बटन तक नहीं पहुंच पाया। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स मारे गए और मार्बल्स में बदल गए, सिवाय गेमर बॉय और शन के। अब इतने कम समय में बटन दबाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हर तरफ मार्बल ही मार्बल पड़े हुए थे। ऐसे में आगे बढ़ना UPSC क्रैक करने जैसा टफ लग रहा था। शन ने तो गेम खत्म होने से पहले ही हार मान ली, लेकिन गेमर बॉय का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल था। उसने शन से कहा कि मैं झुकूंगा और तुम मेरे ऊपर पैर रख के जंप करियो और फिर बटन दबा दियो। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे और डारुमा गाना गाने में व्यस्त था। डारुमा तो इस बार भूल ही गया था कि उसे पीछे मुड़ के भी देखना है। इधर गेमर बॉय की मदद से शन ने दिल्ली पुलिस वाली लॉन्ग जंप मारी और डारुमा का ड्रामा खत्म कर दिया। डारुमा ने भी अनाउंस कर दिया कि ये गेम ओवर हो चुका है, और वो गेमर बॉय बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले ही पल गेमर बॉय भी मार्बल में बदल गया। डारुमा ने बताया कि बटन दबाने वाला ही गेम का विनर है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां शन आराम से गेम खेल रहा था। उसकी मॉम ने कहा कि कभी पढ़ लिख भी लिया कर, लेकिन शन को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इवन उसकी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, यहां तक कि इचिका में भी। इचिका तो उसे फुल लाइन दे रही थी, और उसके गेमर दोस्त ने कहा भी कि उसे डेट पे चलने के लिए क्यों नहीं पूछता जब वो इतना हंस रही है। तो शन ने इस पे यही कहा कि हंसना लड़की की अदा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। हाँ, यही बोला उसने। इसके बाद वे दोनों क्लास की तरफ जाने लगे, जहाँ उन्होंने अमाया को देखा जो दूसरे स्टूडेंट्स की पिटाई कर रहा था। अमाया इस स्कूल का वो बच्चा है जो सबको परेशान करता रहता है। क्लास में बोरिंग शन झपकी ले रहा था, तभी उसके टीचर ने देख लिया और कहा कि शन बेटा, आपके लिए गद्दे लगवा दे क्या। टीचर की बात पे सब हंसने लगे और शन इतना बेहा है कि फिर से सो गया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि उसकी नींद ही उड़ गई। अचानक क्लास टीचर का सर धड़ से जुदा हो गया और उसके सर की जगह डारुमा का सर आ गया। यहीं से इस सब की शुरुआत हुई थी। अब हम वापस प्रेजेंट में आ गए, जहां शन लाशों के ढेर के बीचों बीच खड़ा है। डारुमा डॉल ने उससे कहा कि तुम एक माउस हो और कैट तुम्हारे लिए आ रही है। शन उसकी बात समझा नहीं, और तभी वहां इचिका आ गई। इचिका रो रही थी क्योंकि वो भी अपनी क्लास में अकेली बची थी। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से सभी स्टूडेंट्स की मौत हो गई, लेकिन शन ने उसे समझाया कि उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ है जो इचिका के साथ हुआ है। उन्होंने पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। फिर वे भागते भागते बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गए, जहां उन्हें काफी सारे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने माउस की ड्रेस पहनी हुई थी। ये स्टूडेंट्स भी उन्हीं की तरह डारुमा डॉल वाले गेम के विनर्स थे। शन और इचिका के एंटर होते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे लोग बिना गेम खेले वापस नहीं जा सकते। यहाँ कोर्ट में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था कि मेरी बैल मुझ में फिट करो, तभी ये गेम ओवर होगा। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर स्कूल के प्रेसिडेंट ने इन्हें माउस कॉस्ट्यूम पहनने का ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर तो ऐसे दे रहा था जैसे मैकडोनल्ड्स में आया हो। शन और इचिका ने उसे इग्नोर किया, और तभी बास्केटबॉल कोर्ट की जमीन में से एक बड़ी सी कैट निकली।
वो कैट एक एक करके सबको खाने लगी, जिससे कोर्ट में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में शन ने नोटिस किया कि फ्लोर पे एक बैल पड़ी है जिस पे टाइमर चल रहा है। ये गेम जीतने के लिए जरूर इस बैल को कैट के गले से लगी बास्केट में डालना होगा। उसने ये बात सबको बताई और तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने इस काम का बीड़ा उठाया। ये स्टूडेंट सोच रहा था कि मैं पिछले 365 दिन से रोज शायद इसलिए बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि आज मैं बैल इस बास्केट में डाल सकूं। और यही सोचते हुए उसने बैल को कैट की तरफ उछाल दिया। वो बैल बास्केट में जाने वाली थी लेकिन कैट ने उसे लास्ट मोमेंट पर पकड़ लिया और फिर बास्केटबॉल प्लेयर के इतनी तेज चाटा मारा कि वो बेचारा बिना गोल करे ही मर गया। जल्दी शन समझ गया कि ये कैट उसे ही मार रही है जिसने माउस वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, इसलिए उसने सबको अपनी कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहा। थोड़ी देर को तो कैट शांत हो गई, लेकिन जैसे ये लोग सेलिब्रेट करने को हुए वैसे ही कैट ने एक को पंजा मार के गंजा कर दिया। इसी बीच इचिका फ्लोर पर गिर गई और अब कैट उसे ही खाने आ रही थी, लेकिन वो तो शन था जिसकी वजह से इचिका बच गई। शन ने कैट का ध्यान भटकाने के लिए माउस की ड्रेस पहन ली थी। कैट का ये सीन था कि सबसे पहले सलमान को मारना है, माउस को मारना है, और अगर माउस नहीं मिला तो बिना कॉस्ट्यूम वालों को भी मारना है। शन ने उसे अपने पीछे भगाया। बड़ी मुश्किलों से वो कैट के पंजे से बचा और तब उसे कैट की आवाज आई जो कह रही थी कि उसकी पीठ पर इचिंग हो रही है, अगर कोई खुजा दे तो मैं चैन से सो जाऊंगी। कैट की आवाज सिर्फ शन ही सुन पा रहा था क्योंकि उसी ने वो कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। वो तेजी से कैट की पीठ पर चढ़ गया और खुजाने लगा। कैट को अच्छा लग रहा था। ये देखकर बाकी सब भी कैट की पीठ पर चढ़ गए। सब एक साथ खुजाने लगे तो कैट शांति से सो गई। अब इनके पास बैल को बास्केट में डालने का अच्छा मौका था, लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे कि अगर वही जिंदा बचा जो बैल को बास्केट में डालेगा तो बाकियों का क्या होगा। इन सबको लग रहा था कि डारुमा गेम की तरह एक ही जना जिंदा बचेगा। इसी बात पे बहस होने लगी जिससे कैट जाग गई और फिर कैट ने अपने पंजे से दो स्टूडेंट्स को और मार दिया। फिर शन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो इशिका को लेके स्टोर रूम में गया और वहां से बास्केटबॉल के कवर के अंदर बैल को छुपा के ले आया। उसने उसे तौलिए से ढक दिया ताकि कैट को चकमा दिया जा सके। ये गोल उसे खुद ही करना था लेकिन उसका निशाना चूक गया। वो तो एंड मोमेंट पर अमाया ने आकर बास्केट कर दी और ये लोग इस गेम को जीत गए। तभी कैट ने अनाउंस किया कि शन, इचिका और अमाया इस गेम के विनर है। शन ने चौंकते हुए पूछा कि बाकी लोगों का क्या हुआ, तो उसने पलट के देखा कि अमाया ने बाकी तीनों स्टूडेंट्स को खुद ही मार दिया है। फिर अमाया ने शन से कहा कि उसमें और शन में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पे इचिका ने कहा कि शन और तुम में बहुत फर्क है, शन अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता है और तुम तो अपने लिए सबकी जान लेने को तैयार हो। इनकी इस बहसबाजी के बीच कैट ने धुआं छोड़ दिया। इसके बाद बाहरी दुनिया को दिखाते हैं जहां मीडिया को लग रहा था कि ये सब कोई आतंकवादी संगठन करवा रहा है। फिर शहर के बीचों बीच एक व्हाइट कलर का क्यूब भी देखने को मिलता है जिसे एलियन का हमला बताया जा रहा था। मिलिट्री या एयरफोर्स अभी तक इस क्यूब में घुसने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाई थी। मीडिया में ये बात भी चल रही थी कि जो बच्चे सरवाइव कर रहे हैं वो गॉड्स चिल्ड्रन है, क्योंकि ऐसे गेम्स में जिंदा सिर्फ वही बच सकता है जिसे गॉड जिंदा रखना चाहता हो। इसी बीच एक बेघर को दिखाते हैं जिसने टूटा हुआ रेडियो हाथ लगा के ठीक कर दिया। इसके बाद शन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक जेल में है। उसे यहाँ उसकी बचपन की सहेली टाकुना मिली और दो जने और थे यहाँ जिन्हें शन नहीं जानता। अमारा काफी समझदार समझ रहा था खुद को। उसने शन को बताया कि इस जेल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस गेम को जीतकर। उसने ये भी कहा कि वो अपने इंटेलिजेंस से इस गेम को आसानी से जीत लेगा। फिर यहाँ 4 वुडन डॉल आ गई जो बात भी कर सकती थी। उन्होंने गेम के रूल्स बताए। रूल सिंपल थे, ये 4 डॉल एक बंदे की आंख पर पट्टी बांधकर उसके चारों तरफ घूमेगी और गाना गाएगी। गाना बंद होने पर पार्टिसिपेंट को बताना है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। पहले अमारा गया और फिर डिप्रेस लड़की, दोनों ही गलत जवाब देने की वजह से मारे गए। इसके बाद टाकुना का नंबर था, लेकिन शन ने कहा कि वो पहले जाना चाहता है। शन ने अपने दिमाग का 100% यूज करते हुए सही नाम ले दिया। उसने पिछले 2 प्लेयर्स की बारी में डॉल्स की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और अंदाजा लगा लिया कि किसकी आवाज कैसी है। इसके बाद ये डॉल एक एक करके फट गई और फिर इन्हें चाबी मिल गई। अब शन और टाकुना रूम के बाहर आ गए जहां इन्होंने एक बंदे को इनकी तरफ आते हुए देखा। एक खतरनाक सी दिखने वाली डॉल उस बंदे का पीछा कर रही थी। बंदे ने बताया कि वो लोग उसका हाथ पकड़ के उसकी जान बचा सकते हैं।
शन और टाकुना ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर डॉल कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो उन लोगों से जलती थी जिनकी फ्रेंडशिप मजबूत हो। उसी वक्त टाकुना ने शन से कहा कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तभी शन ने उसके लॉकेट पर ध्यान दिया और वो फ्लैशबैक में चला गया जहां टाकुना छत से कूदकर खुदकुशी करने वाली थी। कूदने से पहले उसने देखा कि शन पीछे बोतलें तोड़ रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसका गुस्सा निकल जाए। शन ने उसे भी ऐसा करने के लिए कहा। शन ने जो कप उसे तोड़ने के लिए दिया था वो आज भी उस कप का हैंडल अपने गले में पहनती थी। इसका मतलब ये है कि टाकुना शन से प्यार करती है। तभी वहाँ इचिका आ गई जिसके पीछे वुडन डॉल पड़ी हुई थी। वो तो शन ने सही वक्त पर कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया और इचिका बच गई। फिर अचानक दीवार टूट गई जिसके पीछे से एक बड़ा सा डॉल फेस निकला जिसमें 7 चाबी लगाने की जगह थी। शन और बाकी सब भी यहीं आ गए लेकिन अभी भी इनके पास 3 चाबियां कम थी। तभी एक एक करके तीनों चाबी कमरे में आ गई और वो लाया था अमाया। उसने अपने साथ वाले बंदे को मार दिया क्योंकि आगे सिर्फ 7 जने ही जा सकते थे। फिर इन्होंने चाबियां लगा दी और डॉल फेस ने हंसते हुए विनर्स के नाम अनाउंस किए। उसके बाद डॉल फेस सुरंग बनाते हुए पीछे की तरफ चला गया और एक आवाज़ ने इन सबको ड्रेसेस पहनने के लिए कहा। यहाँ में पता चलता है कि इन सभी गेम्स को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसके बाद ये लोग बर्फ वाले कमरे में आ गए जहाँ एक बड़े पोलर बियर ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि उसे झूठे लोगों से सख्त नफरत है और ये गेम भी झूठ और सच के ऊपर होने वाला था। गेम के रूल्स बड़े ही सिंपल थे। पोलर बियर जो भी पूछेगा उन्हें उसका सही जवाब देना था। अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो पोलर बियर उन्हें बता देगा और फिर उन्हें आपस में पता करना होगा कि झूठ किसने बोला है। इसके बाद बियर ने पहला सवाल पूछा कि उनका फेवरेट फूड क्या है। सब ने अपने जवाब दे दिए लेकिन बियर का कहना था कि उनमें से कोई झूठ बोल रहा है। उन्हें ये पता लगाने के लिए कि झूठ कौन बोल रहा है 3 मिनट का टाइम दिया गया। फिर उन सब ने उस बंदे को टारगेट कर लिया जिसने कहा था कि उसे घिया की सब्जी पसंद है। एंड देन पोलर बियर ने उसे अपने पंजे के नीचे दबा के मार डाला। अगली बार में शक की सुई ताकुना पर आ गई। शन ने सबको समझाने की कोशिश की कि ताकुना झूठ नहीं बोल रही। ताकुना ने भी खूब कहा लेकिन सबको किसी ना किसी का नाम तो लेना ही था तो उन्होंने ताकुना को मरवा दिया। जिसके बाद शन ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो तू है। उसने पोलर बियर को झूठा बता दिया। ये सुनकर पोलर बियर की अच्छाई का नकाब उतर गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया कि वो अंदर से कितना काला है। अब सभी झूठ को पकड़ लिया गया था तो गेम इसी मोमेंट पर ख़त्म हो गया। और इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को आखिरी गेम में ले जाया गया जो कि एक टेंपल पर होने वाला था। यहाँ 3 वुडन डॉल्स आई और उन्होंने इस गेम के बारे में बताया। इस गेम में एक डीमन होगा और बाकी सब विक्टम्स। डीमन का काम होगा कि वो एक कैन को सर्कल के बीच में रखकर बाकी विक्टम्स को पकड़ेगा और जेल में डालेगा। अगर उसने सभी विक्टम्स को पकड़कर जेल में डाल दिया तो वो जीत जाएगा। विक्टम्स को पकड़ने के लिए डीमन को उनका फेस देखकर नाम लेना ज़रूरी था और दूसरी तरफ विक्टम्स को डीमन से बचते हुए कैन तक पहुंचना था और कैन को किक करना था। हालांकि जो भी विक्टम कैन को किक करेगा वो मारा जाएगा क्योंकि कैन को छूते ही एक ब्लास्ट होगा। ये रूल समझाकर उन्होंने इन्हें स्टिक्स चुनने के लिए कहा। अमाया डीमन बना और बाकी सब विक्टम्स। अमाया तुरंत कैन को सर्कल में रखकर विक्टम्स को पकड़ने लगा। उसने बहुत जल्द तीनों विक्टम्स को पकड़ लिया और अब सिर्फ शन बचा था। इचिका ने कहा भी शन से कि तुम बाहर मत निकलना लेकिन शन के दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो बाहर निकला भी तो योद्धा वाला कवच पहन के जिसे वो संभाल भी नहीं पा रहा था। अमाया उसे देख के हंसने लगा। उसने तुरंत उसका मास्क उतार दिया और फिर उसका नाम लेकर कैन में किक मारने चल दिया। लेकिन शन ने उसे एक मोटी चैन से बांध दिया था और अब वो अमाया को अपनी तरफ खींचने के लिए पानी में कूद गया। शन कवच में से निकलकर ऊपर चढ़ गया और अमाया अभी तक कवच को ही खींचता रहा क्योंकि वो बहुत भारी था। लेकिन उसने अपने आप को जल्द आज़ाद कर लिया और फिर दोनों कैन को किक मारने के लिए दौड़े। अमाया से पहले शन ने किक मार दी। उन सबको लगा कि अब धमाका होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वुडन डॉल्स ने आके अनाउंस किया कि विक्टम्स इस गेम के विनर्स हैं और अमाया लूज़र। शन ने धमाके के बारे में पूछा तो डॉल ने कहा कि वो तो हमने झूठ बोला था ताकि गेम को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। इस पे अमाया को गुस्सा आ गया और उसने डॉल को पकड़कर कहा कि उसे गॉड ने चुना है और वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता। डॉल ने हंसते हुए कहा कि वो मर भी नहीं रहा, वो तो सिर्फ गेम हारा है। डॉल ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा था कि हारने वाला इंसान मारा जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पटाखे फूटने लगे, मतलब ये सभी लोग बच गए। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए डॉल ने उन्हें आइसक्रीम भी ऑफर करी और कहा कि ये आइसक्रीम खाने के बाद तुम लोग वापस जा सकते हो। फिर वे आराम से आइसक्रीम खाने बैठ गए।
यहाँ शन ने इचिका से पूछा कि वो वापस जाने के बाद उसके साथ मूवी देखने चलेगी क्या। इचिका ने मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया, लेकिन जल्दी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। और फिर शन ने भी देखा कि उसकी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा है कि वो जिएगा, और सेम अमाय की आइसक्रीम स्टिक पर भी यही लिखा था, लेकिन बाकी लोग की स्टिक पर लिखा था कि वे मरेंगे, इचिका की स्टिक पर भी। फिर डॉल ने बताया कि तुम सब में बुद्धि भी है, हिम्मत भी और जुनून भी, लेकिन जिंदा रहने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो है किस्मत। ये आखिरी गेम किस्मत के ऊपर ही था। इसके बाद डॉल ने उन तीनों को मार दिया और शन बड़े दुख के साथ ये सब देखता रहा। इनके स्वागत के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो रखा था। सब लोग कह रहे थे कि ये गॉड के बच्चे हैं। हमाया तो बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन शन सदमे में नीचे बैठ गया और उसके मुंह से यही निकला कि गॉड नहीं है। जिसके जवाब में एक वुडन डॉल को दिखाते हैं जिसने शन को करेक्ट किया और कहा कि गॉड है। और फिर उसी बेघर आदमी को दिखाते हैं जो बताता है कि मैं ही गॉड हूँ। और इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। नाउ इट्स शाउट आउट टाइम। गॉड स्टार गेमर ने बड़ी सही बात कही है कि डोंगसू के दिल का बोझ तो उतर गया और धरती पे से भी उसने काफ़ी सारा बोझ उतार दिया। राजवर्धन भाई को शॉन ऑफ द डेड की एक्सप्लेनेशन देखनी है, नोट कर लिया है भाई। यूज़र सोने से पहले मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब यूज़र सोने के लिए मुझे यूज़ कर रहे हैं। आलोक चौहान भाई, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। रोहन शर्मा का एफ कैट का एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट भाई द गुड सिनेमा फैमिली की तरफ से। थैंक यू कार्तिक कुशवा। डार्क सोल पूछ रहा है कि मैं हर चाइनीज़ मूवी में हीरो का नाम डोंगसू की रखता हूँ, तो भाई पहली बात तो ये कि ये कोरियन मूवी है, और डोंगसू इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये नाम प्रोनाउंस करने में और सुनने में दोनों में आसान है, बाकी नाम लेने में तो मेरी जीभ को लकवा मार जावे। विशाल गर्ग स्कूल एग्जाम के दिन छत पे बैठकर मेरी वीडियो देख रहा है, शुक्र है बाथरूम में बैठकर नहीं देख रहा। एनकाउंटर भाई की राइमिंग ऑन पॉइंट है। अबे भाई शाउट आउट मांग रहे हैं और शानू राठौर जॉन विक का फोर्थ पार्ट। भाई सब लोग सुन लो, जॉन विक के तीनों पार्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, ऊपर आई बटन से देख सकते हो, तभी फोर्थ पार्ट लाऊंगा। नवाज को मेरी वीडियो देखे बिना नींद नहीं आती, थैंक यू भाई इतने अप्रिसिएशन के लिए। और धीरज कुमार कह रहे हैं या तो शाउट आउट दो या फिर सेटिंग करवाओ। भाई आपकी डीपी देखकर मैंने सोचा शाउट आउट ही दे देता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।